अतरौलिया पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। ग्राम मजूली भदेवा में युवती के साथ घटित घटना का सफल अनावरण किया है। अतरौलिया पुलिस ने हत्या का आरोपी इंद्रेश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शव मिलने से 24 घंटा में अतरौलिया पुलिस ने अभियुक्त को किया है गिरफ्तार और गिरफ्तार अभियुक्त को तुरंत चालान न्यायालय किया गया। दिनांक 19/10/2022 को बागी गुलचंद द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री उन्हीं के गांव का इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद निषाद निवासी मजौली मधेवी थाना अतरौलिया आजमगढ़ भगा ले गया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया। बाद में पीड़िता का शव ग्राम मजौली के पास में नहर के बगल में झाड़ के बीच में मिला। बादी की सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई और फील्ड रेड डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को उसमें लगाया गया। अगले दिन 20 तारीख को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर वो बाजार में ही अभियुक्त है तो भागने की फिराक में है। इस पर थाना प्रभारी द्वारा या हमलावरों की टीम लगाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने उपाय जरूर स्वीकार करते हुए बताया कि संबंधित से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 7 वर्षों से जारी था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने पर उस सबकी नज़र में उसके द्वारा घर से रस्सी लाकर और दूसरे दिन बाजार से लाकर मृतका के साथ घटना कारित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल नंदन कुमार, कांस्टेबल जय कुमार जय राय और अल्पना शर्मा हैं। अपराधी के पास से मृतका का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड भी प्राप्त किया। इसी प्रकार की ताजातरीन खबर के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए पब्लिक वाई पर।